चलिए अब हम बात करेंगे फाइनेंस कमीशन की, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की। तो ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट, जो पिछले हमने कवर किया अटर्नी जनरल की बात की, एडवोकेट जनरल की बात की, उससे पहले हमने किसकी बात की थी यार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की थी, एंड हमारे पास जो कंप्टर अटर्नी जनरल की बात है, दे आर बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। हाँ, उसी प्रकार की ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वाला एक सीरीज है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कवर करेंगे, जैसे कि NCBC, इसके बाद ST एंड NCST एंड NCSC की बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है यार, हर साल कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ न्यूज़ में रहती है, उससे एक क्वेश्चन तो लगभग आ ही जाता है हर साल, ठीक है। तो हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है यार, विथ रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, ठीक है। फाइनेंस कमीशन के बारे में बताना है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताना है, हमसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है। द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, क्या फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, बिल्कुल सही है। एंड कॉन्स्टिट्यूट बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी 2 ईयर, यार एवरी 2 ईयर नहीं बनता, एवरी 5th ईयर बनता है, दिस इज इनकरेक्ट। द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ टोटल 4 मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरमैन एंड अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट, क्या इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं यार, 5 मेंबर होते हैं, नॉट 4 मेंबर। देखो ये 4 मेंबर बोल रहा है इंक्लूडिंग द चेयरमैन, ना, इट इज 4 मेंबर प्लस चेयरमैन, सो इट इज 5 मेंबर बॉडी, है ना। अगर एक्सक्लूडिंग द चेयरमैन बोलता तो सही होता। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेस द प्रेसिडेंट टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमीशन एंड द मैनर इन विच दे शुड बी सेलेक्टेड, क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को बोलता है कि भाई आप कैसे जो मेंबर्स होंगे वो आप बताना, क्वालिफिकेशन आप बताना कि कौन कौन से मेंबर्स कमीशन में सेलेक्ट किए जाएंगे फाइनेंस कमीशन के अंदर, क्या ये सही है, ना भाई ना। ये ऑथराइज किसको करता है, पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है, कि पार्लियामेंट क्या करेगा, बताएगा क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए कोई भी मेंबर को अपॉइंट करने के एज अ मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बार्ड द चेयरमैन एंड द मेंबर फ्रॉम री अपॉइंटमेंट, बिल्कुल सही बात है। फाइनेंस कमीशन के मेंबर जो है री अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, री अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो हमसे क्या पूछा गया है यार, इनकट पूछा गया, तो इनकट हो जाएगा 1, 2, 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर टू है, विद रेफरेंस टू द क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमको बात किसकी करनी है, क्वालिफिकेशन की बात करनी है चेयरमैन एंड मेंबर्स की, ठीक है, किसके, फाइनेंस कमीशन की, ठीक है। फाइनेंस कमीशन की क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स की बात करनी है, हमसे करेक्ट पूछा गया है। अ चेयरमैन शुड बी ओनली अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चेयरमैन होगा फाइनेंस कमीशन का, क्या सिर्फ और सिर्फ एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को ही बना सकते हैं यार, ना, चेयरमैन कोई भी हो सकता है भाई जिसके पास पब्लिक अफेयर में एक्सपीरियंस हो, दिस इज इनकरेक्ट। जहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड्स आ जाए ना, ओनली, एक्सेप्ट, नेवर, ऑलवेज, तो ये सब चीज़ में आपको समझने की जरूरत है, थोड़ा सा सतर्क हो जाना यार कि हाँ गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। वन ऑफ द मेंबर शुड बी अ जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड वन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज वन, क्या ये स्टेटमेंट सही है यार, बिल्कुल सही बात है। जो मेंबर्स होने चाहिए उनमें से कोई मेंबर जो होना चाहिए, कम से कम एक मेंबर तो जज, है ना, जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, या फिर जज बनने के लायक होना चाहिए। हाई कोर्ट जज बनने के लायक का मतलब क्या है, 10 साल तक एडवोकेट होना चाहिए, है ना, या फिर 10 साल का जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए। वन ऑफ द मेंबर शुड बी अ पर्सन हु हैज़ स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। एक मेंबर जज के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब एक जज के जैसा होना चाहिए, एक मेंबर जिसके पास फाइनेंस में इंपॉर्टेंट नॉलेज होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना। वन मेंबर शुड बी अ पर्सन हु हैज़ स्पेशल नॉलेज इन इकोनॉमिक्स, यस, फाइनेंस में नॉलेज स्पेशल होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में स्पेशल नॉलेज वाला मेंबर होना चाहिए। इस तरह से ये 4 मेंबर का 4, है ना, एक वो बता दिया यार। वन ऑफ द मेंबर शुड बी अ पर्सन हु हैज़ वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये 4 तरीके से हमारे पास 4 क्राइटेरिया बता दिए कि 4 मेंबर्स होते हैं ना फाइनेंस कमीशन में, कितने मेंबर होते हैं, 4 मेंबर प्लस चेयरमैन। चेयरमैन कोई भी हो सकता है भाई जिसके पब्लिक अफेयर में इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस हो, है ना, बाकी 4 के तो क्राइटेरिया यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट को छोड़ के सब, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फाइनेंस कमीशन, हमको बात किसकी करनी है यार, फाइनेंस कमीशन की बात करनी है। फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा गया है, द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है यार। फाइनेंस कमीशन जो बनता है वो 280 आर्टिकल के अंदर बनता है कॉन्स्टिट्यूशन के,
बिल्कुल सही बात है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली मेंशन द क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द कमीशन। देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन नहीं है कि क्या क्या हमारे पास क्वालिफिकेशन होने चाहिए। उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि ये किसकी जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। तो पार्लियामेंट ने इसको देखते हुए फाइनेंशियल फाइनेंस कमीशन मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट लाया था 1951 में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है यार, इसके अंदर इस एक्ट के अंदर मेंशन है। द रिपोर्ट ऑफ द कमीशन हैज़ टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है ना। जो रिपोर्ट है भाई, उसको कमीशन का, वो पार्लियामेंट के सामने कौन रखता है? प्रेसिडेंट रखता है, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा बी, वन एंड थ्री ओनली। क्वेश्चन नंबर फोर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फाइनेंस कमीशन। हमको बात किसकी करनी है यार? फाइनेंस कमीशन की बात करनी है। इट इज़ अ नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फाइनेंस कमीशन नॉन परमानेंट बॉडी है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल है तो बिल्कुल सही है, बिकॉज आर्टिकल 280 के अंदर मेंशनड है इसके बारे में। एंड नॉन परमानेंट है कि परमानेंट है यार? इट इज़ अ नॉन परमानेंट बॉडी, बिकॉज इसको हर 5 साल में बनाया जाता है। द कमीशन कैन डिटरमाइन इट्स ओन प्रोसीजर एंड हैज़ द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन खुद का प्रोसीजर बना सकता है, जो कमीशन है वो खुद का प्रोसीजर बना सकता है क्या? बिल्कुल बना सकता है, जो फाइनेंस कमीशन है, और उसके पास पावर है सिविल कोर्ट्स का। ये भी सही है यार, फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट। द मेंबर ऑफ द कमीशन होल्ड द ऑफिस फॉर अ फिक्स टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। देखो भाई, ये गलत है यार, ऐसा कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। हर मेंबर का जो टेन्योर होगा वो स्पेसिफाई करेगा कौन? प्रेसिडेंट, ठीक है। दी मेंबर ऑफ द कमीशन आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, हमने देखा था भाई। दे आर एलिजिबल फॉर अपॉइंट रीअपॉइंटमेंट, हमने एक क्वेश्चन में देखा था यार। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ठीक है। दे आर नॉट बार्ड फ्रॉम रीअपॉइंटमेंट, बिल्कुल सही बात है। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। सो करेक्ट, नॉट बोरा, गलत बोरा यार। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा वन एंड टू, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर फाइव है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन रिजाइन बाय अ लेटर एड्रेस टू द फाइनेंस कमीशन। जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर होते हैं वो कैसे रिजाइन करते हैं भाई? एक लेटर देते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को। यार फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर नहीं देते हैं, बिकॉज यहाँ पे बोला गया कि जो फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स होंगे, दे कैन रिजाइन बाय एड्रेसिंग लेटर टू द प्रेसिडेंट एंड नॉट फाइनेंस मिनिस्टर। वही जो हमारे पास फाइनेंस कमीशन एक्ट था 1951 का, उसके अंदर मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, याद रखना। सेक्रेटरी ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन टू द स्टेट्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। बिल्कुल सही बात है। जो सेक्रेटरी ग्रांट्स होते हैं सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस से, है ना, वो किसके रिकमेंडेशन पे दिए जाते हैं? फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे दिए जाते हैं स्टेट्स को। अ स्टेट कैन नॉट रेज एनी लोन विदाउट द कंसेंट ऑफ द फाइनेंस कमीशन। गलत बात है यार, है ना, उसके बिना कंसेंट के भी वो लोन ले सकता है। बट कंसेंट किसका जरूरी है? स्टेट का। अगर लोन लेना है तो सेंट्रल कंसेंट जरूरी है, अगर आउटस्टैंडिंग कोई भी पार्ट मतलब लोन का नहीं चुकाया है तो, ठीक है। सो स्टेट कैन नॉट रेज एनी लोन विदाउट द कंसेंट ऑफ द फाइनेंस कमीशन, बोल रहा है गलत बात है यार। कंसेंट किसका लेना पड़ता है? सेंट्रल का लेना पड़ता है। करेक्ट हमसे पूछा गया यार, करेक्ट हो जाएगा टू ओनली। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फाइनेंस कमीशन इज इनकरेक्ट। हमको फाइनेंस कमीशन के बारे में बताना है, फाइनेंस कमीशन के बारे में इनकरेक्ट बताना है। सेस एंड सर चार्ज इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट द पार्ट ऑफ द डिविजिबल पूल। बिल्कुल सही बात है यार। जो सेस एंड सरचार्ज, सेस एंड सरचार्ज होते हैं वो डिविजिबल पूल, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले जो पूल है उसका ये पार्ट नहीं होते, है ना। सेस एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए लगता है एंड सरचार्ज जो है वो जनरल है, बट जो साइन डायरेक्टली सेंटर की जेब में जाता है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। द मेंबर ऑफ द कमीशन कैन रेंडर पार्ट टाइम सर्विस टू द कमीशन एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है। फाइनेंस कमीशन जो एक्ट है 1951 का, उसके अंदर साफ साफ मेंशन है कि भाई ये पार्ट टाइम जॉब जैसा भी काम कर सकते हैं, मतलब फुल टाइम जॉब कुछ करते रहेंगे, बट ये मेंबर जो है वो कमीशन के अंदर एक पार्ट टाइम जॉब जैसा काम कर सकते हैं प्रेसिडेंट के अंदर। द चेयरपर्सन ऑफ द फाइनेंस कमीशन शुड बी और शुड हैव बीन और क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द हाई कोर्ट। देखो भाई, ऐसा नहीं है, बिकॉज हमारे पास, मैंने बताया था यार क्वेश्चन में कि चेयरमैन, कौन सा क्वेश्चन था यार, ये वाला क्वेश्चन था ना, कि जो चेयरमैन होना चाहिए इसका इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पब्लिक अफेयर्स, ठीक है।
ऐसा नहीं कि एक मेंबर का क्राइटेरिया है, चेयरमैन का क्राइटेरिया नहीं है ये। हाई कोर्ट का जज के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, वो मेंबर का क्राइटेरिया है। चेयरपर्सन के तो हमारे पास है ना पब्लिक अफेयर में एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट तो पूछा है। द कमीशन कैन रिक्वायर एनी पर्सन टू फर्निश इन्फॉर्मेशन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है यार, मतलब ये फाइनेंस कमीशन किसी भी आदमी जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में रहते हैं उनसे पूछ सकता है कोई फाइनेंशियल मैटर के रिलेटेड में, कोई चीज़ है तो, इंपॉर्टेंट चीज़ है तो। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 वॉज एन एफर्ट बाई, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 वॉज एन एफर्ट बाई द स्टेट टू अचीव द आइडियल एनशाइंड अंडर। तो जो हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया था 1954 का, वो क्यों बनाया था भाई? हाँ, ये आर्टिकल 44 में जो यूनिवर्सल सिविल कोड है ना, यूसीसी जो है हमारे पास, उसको देखते हुए हमारे पास इसको बनाया गया था। ठीक है, तो यूनिवर्सल सिविल कोड नहीं है भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ठीक है, ये बोलता है कि थिंकिंग इज दैट कोई भी आदमी अगर लिबरल मॉडल सेक्युलर या फिर प्रोग्रेसिव लॉ चाहता है तो उसको दे सकते हैं वॉलंटरी बेसिस पे। ठीक है, और इसीलिए हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया था, है ना। इस स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई भी रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन फेथ, कोई भी आदमी इसके अंदर रजिस्टर करके मैरिज कर सकता है यार। क्वेश्चन नंबर एट है, विथ रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी की बात करनी है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात करनी है, एनसीबीसी कंसीडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। गलत बात है यार, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिकॉज 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कभी मत भूलना भाई, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 ने क्या किया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया अंडर आर्टिकल 338B। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट, इट इज अ स्टेटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। हमने बोला ना भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यार, पहले वो क्या था, स्टेटरी बॉडी था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में, बट 2018 में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया अंडर आर्टिकल 338B में। द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरमैन, सॉरी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। जो सर्विस एंड टेन्योर है उसको कौन डिसाइड करता है भाई? प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। क्या क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट, हमसे पूछा कर जगह B3 ओनली। क्वेश्चन नंबर नाइन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। हमको बात की गई है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई है, इट हैज़ ऑल द पावर ऑफ द सिविल कोड ट्राइंग अ स्वीट। बिल्कुल सही बात है यार, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, जो कि हमने देखा किसके अंदर बनाया गया था, आर्टिकल 338B के अंदर बनाया गया था, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2018 के अंदर। तो इसके पास सिविल पावर है, बिल्कुल सही बात है। द कमीशन कैन रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, बिल्कुल सही बात है, कमीशन अपने प्रोसीजर को खुद रेगुलेट कर सकता है उसी आर्टिकल के अंदर 338 में, है ना, क्लॉज है बहुत सारे उसमें, सब चीज़ बताया गया है। थर्ड स्टेटमेंट है, द चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन हैज़ द रेसिडरी पावर टू डिसाइड ऑन ऑल क्वेश्चन एंड मैटर अराइजिंग इन द कमीशन। बिल्कुल सही बात है, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसको ये रेसिडरी पावर है कि हाँ भाई डिसाइड कर सकता है चेयरपर्सन, क्योंकि हेड है यार। ठीक है, तो करेक्ट हमारे पास करेक्ट जाएगा D1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। हमको बात किसकी करनी है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात करनी है। इट कैन पार्टिसिपेट एंड एडवाइस ऑन दी प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। जो नेशनल कमीशन फॉर NCBC, याद रखना NCBC से रखना, ये हमारे पास क्या है, इट पार्टिसिपेट कर सकता है प्लानिंग प्रोसेस में सोशियल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है, हमने देखा, फिर से बात करता हूँ, आर्टिकल 338B जो है, टॉक्स अबाउट व्हाट, टॉक्स अबाउट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड इट इज़ फॉर्म बाय द 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। उससे पहले क्या था, एक स्टेटरी बॉडी था, उससे पहले बिफोर, ये बिफोर क्या था, स्टेटरी बॉडी था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस।
इट कैन इवेल्युएट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस अंडर द यूनियन बट नॉट अंडर द स्टेट। गलत है भाई, ये स्टेट के अंदर प्लस यूनियन के अंदर दोनों के अंदर देख सकता है जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, सॉरी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनका डेवलपमेंट ठीक से हो रहा है कि नहीं, उनका प्रोग्रेस ठीक से हो रहा है कि नहीं उसको। सो इट इज़ नॉट ओनली यूनियन बट ऑल्सो स्टेट। It present its report pertaining to the union government to the president and those pertaining to the state government to the governor। देखो भाई है ना, ये जो अपना रिपोर्ट है वो यूनियन के रेफरेंस में किसको प्रेजेंट करता है, प्रेसिडेंट को है ना, बट स्टेट के रेफरेंस में ये गवर्नर को नहीं देता, स्टेट लेजिस्लेचर को देता है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग कन्फ्यूज कर देंगे, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, इसे तो क्वेश्चन दिया है भाई। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा वन ओनली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विद रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी कंपोजिशन की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रूल्स प्रोवाइड फॉर द मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर इन द कमीशन। ये रूल बोलता है कि कम से कम एक वुमेन मेंबर होना चाहिए, ऐसा बोलता है क्या भाई जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है? बिल्कुल बोलता है यार। चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन इज अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग्स द एमिनेंट सोशियो पॉलिटिकल वर्कर्स बिलोंगिंग टू द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल जो चेयरपर्सन होना चाहिए उसको कहाँ से हमारे पास अपॉइंट करना है भाई, जो एमिनेंट सोशियो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है ना, वो भी ओबीसी होना चाहिए। द मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर नॉट एलिजिबल फॉर ई अपॉइंटमेंट और एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन वन टाइम्स, दैट इज दे आर री एलिजिबल फॉर मोर देन वन टर्म, दैट इज दे आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट री अपॉइंटमेंट। हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट क्या है वन एंड टू, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन, हमको बात किसकी करनी है भाई, फाइनेंस कमीशन की बात करनी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फाइनेंस कमीशन वर्क इन्वॉल्व्ड इक्वलाइजेशन ऑफ ऑल पब्लिक सर्विस अक्रॉस द स्टेट। है ना, फाइनेंस कमीशन का काम क्या करता है भाई, जो स्टेट के अराउंड जो हमारे पास पब्लिक सर्विसेज होते हैं, इक्वलाइज करता है क्या? बिल्कुल सही बात है यार। फाइनेंस कमीशन वर्क इन्वॉल्व रीएड्रेसिंग द वर्टिकल इम्बैलेंस बिटवीन द टैक्सेशन पावर एंड एक्सपेंडिचर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट रेस्पेक्टिवली। फाइनेंस कमीशन वर्क इन्वॉल्व रीएड्रेसिंग द वर्टिकल इम्बैलेंस बिटवीन द टैक्सेशन पावर एंड एक्सपेंडिचर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट रेस्पेक्टिवली। मतलब जो वर्टिकल पावर है सेंटर का और एक्सपेंडिचर रेस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट का, उसको यहाँ पे ये एड्रेस करता है क्या? ये स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही है यार, करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा बोथ वन एंड टू। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ द फाइनेंस कमीशन टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट। हमसे क्या पूछा है, ड्यूटी ऑफ द फाइनेंस कमीशन पूछा है कि वो रिकमेंडेशन कर सकता है प्रेसिडेंट को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, बिल्कुल सही बात है यार, जो नेट प्रोसीड्स जो है टैक्सेशन का सेंट्रल स्टेट के बीच में, उसको ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये हमारे पास ड्यूटी है फाइनेंस कमीशन का। प्रिंसिपल गवर्निंग ग्रांट्स इन एड ऑफ रिवेन्यू ऑफ स्टेट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। देखो भाई, ग्रांट्स जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आ रहे हैं उसके रिलेटेड इसका कोई भी पावर नहीं है यार, ओके ये पार्लियामेंट यहाँ से पैसे निकालती है, उस सब चीज ध्यान देती है। मेजर नीडेड टू अगमेंट कॉन्सेंट फंड ऑफ द स्टेट टू सप्लीमेंट रिसोर्स ऑफ म्यूनसिपालिटीज ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन। बिल्कुल सही बात है, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है हाँ, वो म्यूनसिपालिटीज के लिए जो कॉन्सेंट फंड ऑफ स्टेट है वहाँ से पैसा देने की बात कर सकती है। एनी मैटर रिफर्ड टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द साउंड फाइनेंस, ये सब जो है क्या फाइनेंस कमीशन की ड्यूटी के अंदर आता है कि वो बताए प्रेसिडेंट को? बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है यार, करेक्ट क्या हो जाएगा, वन थ्री एंड फोर, आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 14 है, विद रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको फाइनेंस कमीशन की बात करनी है। कमीशन इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शन हैज़ द पावर ऑफ सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। CRPC के अंदर जो फाइनेंस कमीशन है उसके पास सिविल कोर्ट की पावर है क्या, हमने देख लिया है, बिल्कुल है। कमीशन कैन समन एंड एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ द विटनेसेस, बिल्कुल सही बात है। जो विटनेसेस हैं है ना, उनके अटेंडेंस को ये बुला भी सकता है और एनफोर्स भी कर सकता है। कमीशन हैज़ पावर टू रिक्वायर एनी पर्सन टू फर्निश इंफॉर्मेशन ऑन सच पॉइंट्स और मैटर एज इन द ओपिनियन ऑफ द कमीशन मे बी यूजफुल और रिलेवेंट टू एनी मैटर अंडर इट्स कंसिडरेशन। बिल्कुल सही बात है यार, इस तरह के जो लंबे स्टेटमेंट्स होते हैं आपको समझ लेना सही होंगे, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ निंजा टेक्निक, कभी कभी ये सब बहुत काम आ जाता है यार, खास तो प्रीलिम्स के अंदर। करेक्ट पूछा, करेक्ट जाएगा डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच द फॉलोइंग डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। जो क्वालिफिकेशन है फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स का उसको कौन डिटरमाइन करता है यार, दो ही आंसर हो सकता है, प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट। तो कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन। हमको बात किसी करनी है भाई, फाइनेंस कमीशन की बात करनी है। The government of India has to implement the recommendation of the Finance Commission regarding granting money to the state. देखो भाई ये क्या बोल रहा है, मनी जो है उसको रिकमेंड जो करता है फाइनेंस कमीशन, क्या उसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है यार ना, यहाँ पे ये एडवाइजरी नेचर का ही होता है, वो एडवाइज ही करता है। The Parliament of India advises the Finance Commission as the balancing wheel of fiscal federalism. बिल्कुल सही बात है यार, है ना, एक तरह से जो पैसा मिलता है ज़्यादा पैसा को कम पैसे वाले दे देता है, कम पैसे वाले को ज़्यादा पैसे वाले दे देता है, और जहाँ पर ज़्यादा पैसा है किसी स्टेट के पास उससे कम स्टेट कम पैसे वाले स्टेट को देता है, तो ये बैलेंस करता है फिस्कल फेडरलिज्म को। बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू दी NCBC। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को कौन सा अमेंडमेंट दिया भाई, हमने देखा 1 एंड 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018, उसने ऐड क्या किया, 332B ऐड किया, ठीक है, सॉरी 338B ऐड किया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 342। आर्टिकल 342 के साथ कौन सी चीज़ रिलेटेड है ये हमसे पूछा गया है यार, आर्टिकल 342 किसके साथ रिलेटेड है। इट एम्पावर द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन वेरियस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना। ये पावर देता है प्रेसिडेंट को कि क्या करे, वो कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन बैकवर्ड क्लासेस हैं वो बताने की पावर देता है। तो हमारे पास जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था इससे 338B ऐड किया गया, और 342 जो ए था ना वो एम्पावर किया उसने प्रेसिडेंट को कि वो क्या कर सकता है, वो बताएगा, है ना, वो क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा कि कौन कौन से हमारे पास OBCs हैं, फिर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। NCBC के फंक्शन के बारे में बात करनी है, किसके बारे में बात करनी है, फंक्शन के बारे में। द कमीशन इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफ गार्ड प्रोवाइडेड फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो जो हमारे पास जितने भी मैटर्स हैं जो कि सेफ गार्डिंग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के साथ रिलेटेड हैं उनको इन्वेस्टिगेट करता है क्या नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। बिल्कुल सही बात है यार, एक तरह से इसका फंक्शन आप बोल सकते हो। ओके, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास हैज ऑल द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट वाइल ट्राइंग अ सूट। बिल्कुल सही बात, सिविल कोर्ट की पावर है यार, इस बार बार देख लिया हमने। इट पार्टिसिपेट एंड एडवाइज ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। बिल्कुल सही बात है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करता है, उनमें एडवाइस देता है ये। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो इन जो चेयरपर्सन है ना, वाइस चेयरपर्सन है या फिर जो मेंबर्स हैं कि
किसके, हमारे पास एनसीबीसी के, उसको कौन बताता है, कौन डिटरमाइन करता है, पार्लियामेंट करता है कि प्रेसिडेंट करता है, यहीं दोनों में कन्फ्यूजन होगा। तो जो हमारे पास प्रेसिडेंट है ना भाई, वो डिटरमाइन करता है सर्विस कंडीशन को, है ना। और ये यहाँ पे लिखा गया है प्रेसिडेंट अंडर वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील मतलब सामने में, है ना। इसके अंदर पांच मेंबर्स होते हैं फाइन एनसीबीसी के अंदर, कितने मेंबर, पांच मेंबर्स। क्वेश्चन 21 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनवाइसेज द फाइनेंस कमीशन एज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। बिल्कुल सही बात है यार, जो फाइनेंस कमीशन है वो क्या है, बैलेंसिंग व्हील है फिस्कल फेडरलिज्म का। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश अ फाइनेंस कमीशन ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फिफ्थ ईयर, हर पाँच साल के खत्म होने के बाद ही प्रेसिडेंट यहाँ पे फाइनेंस कमीशन को बना सकता है क्या? क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? ना, ये गलत है, है ना। उससे पहले भी बना सकता है जब तक तो उसको जरूरी पड़े, सो इट इज़ नॉट ओनली आफ्टर, सो दिस इज इनकरेक्ट। दे होल्ड ऑफिस फॉर सच अ पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट इन हिज ऑर्डर, बिल्कुल सही बात है, जब तक वो अपना मतलब वो ऑर्डर में बोलेगा प्रेसिडेंट कि तुम तब तक ऑफिस होल्ड कर सकते हो जब तक प्रेसिडेंट बोलेगा। The President is empowered to determine the qualification of the member of the commission. No, it is not the President who is empowered to determine the qualification, but it is the Parliament who is empowered. So this is incorrect. हमसे correct पूछा गया यार, correct हो जाएगा C, two only. Question 22 है, consider the following statement. मतलब इसमें समझना NCBC के बारे में बात की जा रही है, Finance Commission के बारे में बात की जा रही है। देखो Finance Commission के लिए हमारे पास जो चीज़ें हैं वो किसके साथ related हैं यार, Parliament के साथ। एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में हमारे पास स्पेसिफाई कौन करेगा, हमने देखा स्पेसिफाई कौन कर रहा था यार, प्रेसिडेंट सर्विस कंडीशन को। प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेगा कि कौन कौन हमारे पास सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में आएंगे वो, उन सबको। क्वेश्चन 22 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिकमेंडेशन दैट द फाइनेंस कमीशन इज रिक्वायर्ड टू मेक। हमको बात किसी करनी है, जो रिकमेंडेशन जो फाइनेंस कमीशन है वो जो रिकमेंडेशन देगा उसके बारे में हमको बताना है यार, कि उसको क्या रिकमेंडेशन देना जरूरी है, फिर क्या वो रिकमेंडेशन दे सकता है उसके बारे में। ही हैज़ द अथॉरिटी टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। क्या वो रिकमेंडेशन देता है कि जो नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस हैं उसको सेंटर और स्टेट के बीच में शेयर करेंगे उसका? बिल्कुल सही बात है यार। He has not been vested with the power to recommend the principle that should govern the grant in aid to the state by the center. No, इसके पास not power बोल रहा है, गलत बात है। इसके पास ये power है कि ये recommend कर सकता है grant in aid to the state by the center. So 22 का second statement क्या है भाई, गलत। हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, recommendation जो दे सकता है, correct पूछा है, कर जाएगा A, one only. क्वेश्चन नंबर 23 है, विथ रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन इन इंडिया, फिर से फाइनेंस कमीशन की बात की जा रही है यार, आर्टिकल 280 के अंदर आता है, अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज बीन एंडोन्ड विथ पावर टू रिकमेंड नेट प्रोसीड्स ऑफ डिवोल्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। बिल्कुल सही बात है यार, जो नेट प्रोसीड्स है उसको ये बता सकता है सेंट्रल स्टेट के बीच में। द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन आर बाइंडिंग, नो इट इज जस्ट एडवाइजरी, मैंने बताया था इट इज जस्ट एडवाइजरी। The recommendation of the Finance Commission of India is applicable only to the central government as there is a separate state finance commission for each state. क्या ये सही है भाई? ना ना ना, ये दोनों के लिए applicable है भाई, okay? It's applicable to both the union and the state government. State finance commission जो है वो पंचायत के regarding devolution of taxes की बात करता है। तो correct हमसे पूछा गया है, कट जाएगा one only D. 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। हमको फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करनी है, करेक्ट पूछा गया है, इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल तो है बिकॉज आर्टिकल 280 किसके बारे में बात करता है, फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेडिट्री तो नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये क्वासी जुडिशियल है कि जुडिशियरी के अंदर आता है, इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ओके। एंड इसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, प्रेसिडेंट।
बट जो क्वालिफिकेशन है उसको कौन डिटरमाइन करेगा भाई? पार्लियामेंट। कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन 25 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। एनसीबीसी की बात करनी है। एनसीबीसी कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 338B। इट इज़ अ 5 मेंबर कमीशन विथ 1 वुमन मेंबर। बिल्कुल सही बात है यार, इसमें एक चेयरपर्सन होता है। देखो फाइनेंस कमीशन के अंदर 5 मेंबर होंगे, याद रखना है ना। एनसीबीसी के अंदर हमारे पास चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है और 3 मेंबर्स होते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटलीस्ट 2 मेंबर जो कि स्पेशल नॉलेज रखते होंगे एनसीबीसी से, और एक वुमेन होना ही चाहिए, 1 वुमेन होना ही चाहिए इसमें, एंड एटलीस्ट 2 स्पेशल नॉलेज रखने वाले। किसके रिकॉर्डिंग? बैकवर्ड क्लासेस के रिकॉर्डिंग। ओके, ऑल मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है, जितने मेंबर्स हैं सारे को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। द कमीशन प्रेजेंट एन एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है, जो कमीशन है एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को रिकमेंड प्रेजेंट करता है क्या? बिल्कुल रिप्रेजेंट करता है यार, करेक्ट। हमसे पूछा कट जाएगा, सब आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ द बैकवर्डनेस ऑफ कास्ट इंक्लूडेड इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ द कमीशन। हमसे पूछा गया है, बेसिस पूछा गया, बेसिस ऑफ द बैकवर्डनेस ऑफ द कास्ट। जो कास्ट है, कुछ कास्ट बैकवर्ड क्यों है भाई, वो हमको बताया गया है। जो सेंट्रल लिस्ट में है ना बैकवर्ड क्लासेस के, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है ये हमसे पूछा गया है। क्या सोशली बैकवर्ड क्लासेस का इंक्लूडेड किया गया है सेंट्रल लिस्ट में? बिल्कुल सही है यार। क्या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को इंक्लूड किया गया है? नहीं। एजुकेशनली? यस। सोशली एंड एजुकेशनली, ये टर्म यहाँ पे रिकॉर्डेड है, सोशली एंड एजुकेशनली, नॉट इकोनॉमिकली। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, करेक्ट। हमसे पूछा कट जाएगा डी, 1 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन 27 है, कंसिडर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड उनके प्रोविजन्स के रिगार्डिंग हमको बात करनी है। हर एंड सेकेंड तो बच्चे बच्चे को बताना चाहिए। इट इज़ फॉर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी के लिए है यार। बिल्कुल सही बात है, इसने 338B ऐड किया। हर एंड थर्ड किसके लिए है बे? हर्ड एंड थर्ड किसके लिए है भाई? हंड्रेड एंड थर्ड, बिल्कुल सही है यार। ये हमारे पास रिजर्वेशन देता है किसको, है ना, EWS वाली जो रिजर्वेशन है ना, वो इसके बारे में 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करती है ना। 101st इज़ फॉर GST, बिल्कुल सही बात है यार। 2017 में हुआ था ये, 2018 में हुआ था ये, एंड 2019 में हुआ था ये। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके बारे में था? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। बिल्कुल सही बात है यार, 2015 में हुआ था ये, ना ना 2013 में है भाई। ठीक है, 100th अमेंडमेंट है ना ये, 119th अमेंडमेंट बिल है जिसने एक्सचेंज किया, मतलब जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था ना इंडिया में बांग्लादेश, उसके रिलेटेड में ये था ये। ठीक है, सब सही है भाई, तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्टली मैच तो सारे हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा ऑल दी अबव। ये हो गया भाई हमारे पास स्टूडेंट 27 क्वेश्चन। हमने एनसीबीसी से क्वेश्चन देखे हैं, फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन देखे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इसीलिए हमको ध्यान रखनी है चीज़ें।